इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बड़ी बचेगी, वहाँ से हम बॉर्डर के जरिए वो सारा कुछ मंगवा, 30 मिनट का बॉर्डर है। अंडा भी 3 रुपए का मिल, इंडिया में अंडा 30 रुपए का, इधर पे इधर 30 रुपए का, 3 रुपए और 30 रुपए में कितना फर्क है? यही 10-15 रुपए इंडिया में यही सब्जी बिक रही होगी भाई, इंडिया में बिक रही है, पाकिस्तान में नहीं बिक रही, पाकिस्तान के सारे बंदे एक से एक बढ़कर वजीर हैं। वो आलू और प्याज जो है खरीदे हैं, खरीद रहा हूँ अगर मैं आपको यहाँ पे प्याज दिखाऊँ ना, तो ये देख लें, ये हैं वो प्याज, इनको प्याज कहते हैं, अगर इनका रेट 150 है तो फिर दूसरे जो अच्छे वाले प्याज हैं तो कोई 400 का। इंडिया में 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए तक है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, वो अपने मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा वो कीन है, लॉयल है। इंडिया में तो प्याज भी 15 रुपए किलो बिकता है भाई, या कोई सस्ता नहीं, ये काफ़ी देर होगी 150 से नीचे प्याज आ ही नहीं रहा। मैं इंडिया की बात करूं तो ये हमने ट्रेड हमने बंद की ये सब्जियों के, आज रेट जो बड़े हुए, अगर ट्रेड ओपन होती तो आज हमारी आवाम को फायदा होता, बिल्कुल फायदा होना चाहिए था और बिल्कुल फायदा होगा भी अगर आप ट्रेड शुरू करते हैं। आप चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो और ये सब्जियाँ वगैरह आपको सस्ती मिले? पाकिस्तान में इंडिया को जो ईस्टर्न पंजाब है ना, उसकी जो जमीन है ना, जो एग्रीकल्चरल जमीन है, पाकिस्तानी फर्टाइल लैंड से बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। मैं यही आपको बताऊँ कि हमारे जो पड़ोसी देश इंडिया जिसके साथ हम हर दफ़ा मुकाबला करते हैं उसमें ये 10-20 रुपए 30 रुपए हैं जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उधर मुनासिब है प्राइस और रेट भी सस्ता है। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और अभी जो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम वेजिटेबल की प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का और देखेंगे कि यहां पे कितवार बाज़ार है और यहां पे क्या रेट्स चल रहे हैं, कितने के लोगों को मिल रही हैं और साथ ही हम इनको बताएँगे कि इंडिया में कितने की मिल रही हैं और साथ ही मैं पूछूँगा कि ट्रेड ओपन होनी चाहिए या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजाहिद अब्बा। क्या करते हैं? ये काम करता हूँ। काम करते हैं। अभी क्या लिया है आपने सब्जी में? ये मटर लाए हैं। मटर लिए हैं जी। कितने की केजी मिली है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए जी मटर की केजी? जी 1 केजी 80 रुपए का। और क्या रेट चल रहे हैं बाकी सब्जियों का पता है कुछ? वो प्याज 150। अच्छा 250 से 150 प्याज है? 160 रुपए पाओ है अदरक। 160 रुपए पाओ के जी? नहीं पाओ, पाओ वो तो बनाते हैं 150 तकरीबन 650 रुपए। हाँ जी 650। 650 रुपए किलो। सब सब्जियाँ महंगी ने, बहुत परेशान है वहाँ। आलू कितने का रेट? आलू 250 रुपए। 250 रुपए किलो? तरी 5 किलो 50 रुपए किलो। अच्छा किलो कितने का? 50 रुपए। 50 रुपए। हाँ जी। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, आपका दिमाग हल जाएगा। 8 से 7 रुपए यही आलू इंडिया में मिल रहा है। हाँ जी हाँ जी। 7 रुपए 7-10 रुपए कहाँ पे है? और इंडिया में? हाँ हाँ जी। तो दूसरा टमाटर 80-70 रुपए किलो यहाँ पे। हाँ जी वहाँ पे 10-20 रुपए 25 रुपए। सही है, यही रेट है। 3 रुपए का मिल रहा है। हाँ जी होते थे, अंडा भी 3 रुपए का मिल रहा है। इंडिया में अंडा 30 रुपए का है, इधर पे इधर 30 रुपए का है। 3 रुपए और 30 रुपए में कितना फर्क है? वो आपको पता होना चाहिए ना ज्यादा। कच्चा 30 रुपए का। 30 रुपए का? हाँ जी कच्चा। तो कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा बहुत मुश्किल चल रहा है, यार कुछ आबा रखा हुआ उधर। कितना कमाते हैं? बस कभी दिहाड़ी बनती है कभी नहीं बनती, अल्लाह वारस, यही बात है। अगर यही इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होती तो वहाँ की सब्जियाँ यहाँ पे आती सस्ती मिलती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो चीज़ें यहाँ पे 200-300 रुपए की है वहाँ पे 10-15 रुपए की है। हाँ जी हाँ जी। जैसे भाई ने कहा कि 3 रुपए का अंडा, यहाँ पे 30 रुपए का अंडा। हाँ जी गल। इधर भी टैक्स चुके गए तो सस्ती हो सकती है, क्यों नहीं होती? टैक्स ना लगे। इधर मंडी में तो ट्रक बढ़ता है तो कितना महंगा होता है। अभी ये इतवार बाजार है, सस्ता बाजार है। अगर नॉर्मल मार्केट में जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये मंडी के रेट में ही दे रहे हैं, ये मंडी के रेट में ये दे रहे हैं। इसका बाजार लगता है यहाँ पे, मतलब मार्केट के निजाम से ये सस्ता है। हाँ सस्ता है। और सस्ते में भी रेट देख लो 250-300-400, अगर ये बाहर जाएंगे तो फिर तो 700-800-800 मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा ये तो। बहुत इधर तो लेबर का गरीब बंदा नहीं खरीद सकता, जो 20-25-30 हज़ार कमाता है वो नहीं खरीद सकता। नहीं नहीं दिन का नहीं। अगर आपको एक दिन का खाना बनाना हो तो कितने पैसे लग जाते हैं? तकरीबन 1000 रुपया, 1500-2000। तो एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं है? नहीं है, मिलती इतनी नहीं मिलती, महा 500 बनता है, 600-500। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप? गवर्नमेंट से क्या अपील करनी है? ये जी अभी इन्होंने 5000 सिर्फ इधर ही लग जाना है, कुछ अभी मटर नहीं है, 100 रुपया ही बच गया होगा, बाकी मटर नहीं है, मटर बस 2 किलो 3500 बचा। अभी सारा अभी शुरुआत है, अभी तो गेम शुरू हो गया आगे। अभी और सब्जी भी लेनी है। अपनी गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अपनी कहने सही हो, चीजें सस्तियाँ हो, खान पीना आटा घ्यो सर के साथ ट्रेड ओपन हो जाए। हाँ जी हाँ जी, फिर लोगों की जिंदगी कुछ आसान हो जाए। हाँ जी हाँ जी,
इस तरह ही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? अरशद महमूद। सर क्या करते हैं, जॉब वगैरह क्या करते हैं? कोई जॉब नहीं करता जी। कोई जॉब नहीं करते। अभी आप इधर सब्जी वगैरह खरीदने आए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इसकी? जो बाजार में है वही तकरीबन यहाँ सूरत हाल है, इतना फर्क कोई मार्केट का को यहाँ कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अभी आपने क्या क्या खरीदा है? मैंने ये सलाद के पत्ते लिए हैं। अच्छा, और ये लौकी ली है बस। और आपने आलू भी खरीदे हैं? तो क्या रेट वगैरह यहाँ पे मिले? मैंने वैसे इस वक्त 60 रुपए के जी ली है। 60 रुपए के जी। अगर मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं, शॉकिंग है, यही 10-15 रुपए इंडिया में यही सब्जी बिक रही होगी भाई। इंडिया में बिक रही है, पाकिस्तान में नहीं बिक रही। पाकिस्तान के सारे बंदे एक से एक बांटकर वजीर हैं। हाँ। तो पाकिस्तान में सस्ती देते हैं, कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ सुबह लेने जाओ हो रेट है, घंटे बाद हो रेट है, शाम तक हो रेट होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ दुकानदारों का भी कसूर है? दुकानदार का बहुत ज़्यादा कसूर है। मंडी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं दुकानदार का, ज्यादा कुछ हो रहा। आम का तो जो है अभी इधर मैं आलू के रेट सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल है वो 50 रुपए है, कोई 60 का भी दे रहा है, कोई 70 का भी दे रहा है। और यही अगर मैं नेबर कंट्री इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए। वो इंडिया में भाई बिकते, हमने अपने पाकिस्तान की बात करनी ना, हमें क्या लगे इंडिया के साथ? मतलब अपने पाकिस्तान में हम हमेशा मुकाबला उसके साथ करते हैं ना। तुम्हारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अगर इंडिया वाले 10 रुपए का आलू आवाम को बेच रहे हैं तो ये 8 रुपए का बेचे, फिर हम इंडिया में तो प्याज भी 15 रुपए किलो बिकता है भाई। कोई सस्ता नहीं, ये काफी देर होगी 150 से नीचे प्याज आ ही नहीं रहा। वहाँ 15-20 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। 15-20 रुपए। हाँ, तो फिर और ये अगर ट्रेड ओपन हो जाती है तो वही वाली सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, मटर इधर आते हैं तो ट्रेड ओपन ही है। वहाँ से जाता दुबई, दुबई से जाता इधर आ जाता है। तीसरे वे से अगर डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान की हो जाए तो फायदा। आप कहते हैं खाना नहीं लाइक है तो उधर से ले रहे हैं ना, वहाँ से आगे जाता, आगे से होकर वहाँ आ जाता है। इनडायरेक्ट तो ले रहे हैं ना, जिद के पीछे डायरेक्ट नहीं ले रहे। नुकसान तो वहाँ आवाम को उन्होंने मार दिया, जालिम उन्होंने मार दिया, बिल्कुल मार दिया। गुजारा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लोगों का, बहुत मुश्किल है। अपनी आवाम को, अपनी गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? हमारी गवर्नमेंट को ये अपनी लड़ाई छोड़े, आवाम का को ख्याल करें। अपने इनको पढ़िए, वो कहता वो चोर है, सारे चोर हैं, एक दूसरे को चोर कहते रहते, चोरी कहते हो, कहते वो, कहते वो चोर, उसने ये खाया, उसने वो खाया। और आवाम बेचारी मारी, आवाम का तो इन्होंने सोचा किसी ने, आवाम के लिए कोई निकलता? आवाम के लिए कोई नहीं निकला, आवाम के लिए निकले। आवाम की आवाज ही बन रहे हैं हम, आवाम के लिए चीजें सस्ती हो जाए इसलिए तो आवाज उठा रहे हैं। आवाम के लिए निकले नहीं, महंगाई के लिए, आवाम के लिए निकले। ये आवाम महंगाई है, आवाम को लेके आए, ये तो अपने चक्कर में पड़े हुए। हमें सीट मिल जाए, हमें ये मिल जाए, और उनके चक्कर कोई नहीं है। आवाम का खाना खराब इन्होंने कर दिया हुआ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? निशान सलाम भट्ट। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, जॉब करते हैं। तो अभी आपने सब्जियां वगैरह ली हैं तो क्या पसीना आया है? जी बिल्कुल पसीना आया। अभी ये रमज़ान शरीफ से पहले पहले सारे मामलात को देखते हुए, हाँ। तो मैंने तो ये चीज़ मद्देनजर रखी है, और ये एक बात मजाक में भी करूँगा मैं शायद आपको, शायद कि हमारे पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया में जो ज़खीरा अंदोज़ हैं वो जहन्नम में जाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ज़खीरा अंदोज़ जो है वो उम्रे पे जाते हैं। और इन्होंने साल बेईमानियाँ की और एंड पे जाके ना उम्रे पे चला गया, बख्शा जी, वो बख्शवा लिया है। अभी अभी क्या खरीदा आपने? क्या है भाई ने जो है वो आलू और प्याज जो है खरीदे हैं? खरीद रहा हूँ मैं। अच्छा, मजीद आलू क्या केजी रेट मिला? आलू जी ये इन्होंने जो अच्छा आलू है वो 50 रुपीज पर केजी दे रहे हैं, और अच्छा। ये जो हल्का आलू है ये 30 रुपीज पर केजी दे रहे हैं। और प्याज का रेट? ये 150 से नीचे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आगे अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपने शौक हो जाना है। ये ही जो 50 रुपए का आपने आलू लिया केजी, ये ही इंडिया में 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए तक है जी। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, और वो अपने मुल्क के बारे में बहुत ज्यादा वो कीन है, लॉयल है। हमारे यहाँ पे अभी जब ये जो प्याज, ये सॉरी टमाटर जो है, हाँ। ये 2 दिन पहले मैंने खुद मंडी में देखा, और आपके यहाँ पे देखे 60 रुपीज़ पर केजी है। हाँ। अभी कौन सी ऐसी क्यामत आ गई कि पाकिस्तान में अभी ये जो 60 है वहाँ पे वो 10, 15, 20, और उसके अलावा जो दूसरी बात, अभी ये 20 रुपीज इंक्रीज करके 80 रुपीज़ पर केजी बेच रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में ये ज्यादा बेच रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं, और 80 रुपीज़ पर केजी अभी मजीद 2 दिन पहले 80 रुपीज़ कहाँ पे और 10 रुपीज़ कहाँ पे? ये देखे, पाकिस्तान एक लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज़ है, फर्टाइल ज़मीन है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में इतनी महंगाई और एग्रीकल्चर के हवाले से मैं तो ये हैरान हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। किस अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये हमने ट्रेड हमने बंद की, ये सब्जियों के आज रेट जो बड़े हुए, अगर ट्रेड ओपन होती तो आज हमारी आवाम को फ़ायदा होता। बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए था, और बिल्कुल फ़ायदा होगा भी अगर आप ट्रेड शुरू करते हैं। आप चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो और ये सब्जियाँ वगैरह आपको सस्ती मिले? पाकिस्तान में देखिए मेरी बात सुने, जिस मुल्क में आपकी आवाम को फ़ायदा है और जहाँ पर ट्रेड पर, ये नहीं कि वो हमारा
नेबरिंग कंट्री है और हमारे साथ उसके अच्छे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क की अवाम को 12 करोड़ पंजाब की अवाम है, 10 करोड़ और दूसरे अवाम के साथ अगर पाकिस्तान के फ़ायदा हो रहा है तो मेरे ख्याल में तो हमें ट्रेड भी शुरू करनी चाहिए मजीद। कॉमन अवाम का फायदा, हम तो कॉमन अवाम की आवाज़ है की बात है बिल्कुल, बल्कि आप हैं जिसमें मैं हूं जी, ये ना सिर्फ सब्जियां के अलावा मजीद वहाँ पर मजीद चीज़ों को भी इम्पोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ की, इतनी चीज़ें हैं। अगर हम इधर जो है ये मेकअप के सामान जो इधर साइड से दुबई से होकर घूम के इधर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर तमाम पाकिस्तान में भी फ़ायदा है, हमारे मुल्क में जो है एक तो सबसे बड़ी कॉस्ट होगी अगर हम यूरोप से कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बड़ी बचेगी, वहाँ से हम बॉर्डर के जरिए वो सारा कुछ मंगवा, 30 मिनट का बॉर्डर है और हम फौरी तौर पर बुला लेंगे और सारा कुछ हमारे मार्केट में आ जाएगा और सस्ता मिलेगा, वहाँ मिलेगा। और इंडिया, आपको मैं ये बात बताऊँ, इंडिया को जो ईस्टर्न पंजाब है ना उसकी जो ज़मीन है ना, जो एग्रीकल्चर ज़मीन है पाकिस्तानी फर्टाइल लैंड से बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है, यानी कि उनकी जो वेजिटेबल्स की और ये एग्री क्रॉप्स है ना वो बहुत शानदार क्वालिटी, उनकी बेहतरीन क्वालिटी है क्योंकि वो उसमें जो पानी भी ज़रखेज़ है उनकी जो किसान है वो बेहतरीन अपनी क्रॉप्स को बेचता है, और पाकिस्तान में वो आ भी जाए तो पाकिस्तान में ये है कि मुजरे सेहत नहीं है, बेहतरीन चीज़ें हैं वो, बेहतरीन चीज़ें जी, बेहतरीन आवाम का ही कहीं ना कहीं फ़ायदा सर, आवाम का, दोनों मुल्कों की आवाम का फ़ायदा, पाकिस्तान की आवाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आप अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई खुदारा ट्रेड ओपन करो और हमें चीज़ें सस्ती मिलें, ये 80 रुपये की 10 रुपये। आई हर बी रिक्वेस्ट टू माई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, प्लीज ओपन द ट्रेड एज सून एज पॉसिबल विद इंडिया, विद इंडिया और अदर कंट्रीज, हर मुल्कों के साथ ट्रेड ओपन करें, पाकिस्तानी वाम को सोचे रमजान शरीफ आ रहा है और अपना ना सोचे ये साजिश है, लड़ाई ये वॉर इससे निकल जाए, लोगों की जिंदगी लोगों की जिंदगी का मियार जिंदगी को बेहतरीन और बुलंद करें जी बिल्कुल। और हमारे लिए ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, कश्मीर कन्फ्लिक्ट भी खत्म होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, और इंशाल्लाह आई विल होप कि अगर ट्रेड शुरू होती है तो आपकी वाम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। की नाम है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, क्या खरीदा है अभी आपने इधर से? जी प्याज। प्याज और कितने का केजी मिला है? ये मिला है 150 दे रहा है, कोई 130 दे रहा है, कोई 130 दे रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे प्याज दिखाऊँ ना तो ये देख लें, ये हैं वो प्याज, इनको प्याज कहते हैं। अगर इनका रेट 150 है तो फिर दूसरे जो अच्छे वाले प्याज हैं वो तो कोई 400 का 250-300 का बेचेंगे। ये जो हालात है, आप मंडी में आए हैं, कैसा आपको महंगाई वगैरह कहाँ पे पहुँची हुई है? महंगाई देखें जी, हम तो पैसे खर्च के बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारी पहुँच से बाहर है हर चीज़। एक महीने का कितना कमा लेते हैं? एक महीने का ज़्यादा हम 30,000 रुपया 35,000। उसमें ये खाना पीना पूरा हो जाता है? बहुत मुश्किल जी, हमारा बहुत नहीं होता हमारा जी, और इसमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों के दूध लें, बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों को ये खिलाएं, इतने 20-30 हज़ार में क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता सर, कुछ नहीं, कर्जे उठाने पड़ते हैं, यकीन करो। ऐसे हालात कर दिए कि खाने पीने के लिए लोग जो हैं वो मजबूर हो गए हैं, ऐसे ही है। अगर मैं यही आपको बताऊं कि हमारे जो पड़ोसी देश इंडिया जिसके साथ हम हर दफ़ा मुकाबला करते हैं उसमें ये 10-20 रुपये 30 रुपये हैं जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उधर मुनासिब है प्राइस और रेट भी सस्ता है हमारे मुल्क में। आलू 6-7-10 रुपये का जो यहाँ पे 60-100 रुपये का? हाँ जी ऐसे ही है, मुंह बोलते पैसे ले रही है आवाम जो हमारी है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम। ये पता है कि सब्जियां जो इंडिया से आती थी, टमाटर वगैरह यहाँ पे सस्ती मिलती थी, और बंद किसने की थी? हमारी गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सस्ती मिलती थी, अब नहीं आ रही तो महंगाई इतनी हो गई है, मजबूर हो गए हम। तो आप चाहते हैं कि ट्रेड ओपन और वहाँ से सब्जियाँ इधर आए और आपको सस्ती मिले? आए, बिल्कुल आए। हमारा बच्चों का सवाल जी, बिल्कुल ऐसे ही, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है कि उधर से चीज़ें वो खुलें, सस्ती हमारे मुल्क में आए, हम खरीदें और हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चों का अच्छा हो। अच्छा। नहीं तो हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। नहीं तो वहाँ हुक्मरानों को मैसेज देना चाहिए एंड पे? जी मैसेज यही है कि इनकी मेहरबानी, अवाम की तरफ देखें, अपनी तरफ ना देखें, अवाम की तरफ जरूर देखें, जो गरीब है वो पिस रहा है। गरीब तो मर गया, मेरी नज़र में गरीब मर गया, ऐसे ही बात है। तो मेहरबानी हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो अवाम की तरफ देखे, दूसरे काम छोड़े, इनकी जो महंगाई का वो सिलसिला कम करे। बहुत शुक्रिया जी। जी तो आपने देखा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जो कि यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह खरीदने आई थी। आज की वीडियो में हमने वेजिटेबल की प्राइसेस का जो है वो कंपैरिजन किया है इंडिया और पाकिस्तान में। मैं जब एक एक के पास गया हूँ, मैंने आलू का रेट चेक किया तो कह रहे थे कि 70 रुपये 80 रुपये किलोग्राम। मसाल भी इंडिया में देखूँ
तो 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये मतलब के जो बेसिक से शुरू होकर अच्छे तरफ लेवल पे आते हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी में भी कैटेगरी होती है, कुछ लो लेवल होती है, कुछ हाई लेवल होती है। तो बड़ा मुझे जो है डिफरेंस वाजिया नज़र आया कि जो यहाँ पे चीज़ 250-300 रुपये 1 kg है, वो इंडिया में 20 रुपये, 25 रुपये या 30 रुपये, हद जो है वो 40 रुपये होगी। जो यहाँ पे 240 रुपये या 200 के नज़दीक है, वो वहाँ पे इतना ह्यूज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी रेट सब्ज़ियों में और इनकी रेट सब्ज़ियों में। पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि जी खुदारा सब्ज़ियों के रेट कम हों, तभी हम एक जो नॉर्मल घर का बंदा है उसके लिए भी एक दो वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल कर दी है हुक्मरानों ने। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ सोचें, एक दूसरे के झगड़ों में पड़े रहेंगे तो अवाम मर जाएगी, ये बेचारे गरीब मर जाएंगे। खुदारा ऐसा को पॉलिसी बनाए ताकि इनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, इनको सस्ती चीज़ें मिलें और ट्रेड ओपन करनी चाहिए। हमारा ये 30 मिनट का बॉर्डर है, उधर से ही भाई भाईचारा बना लो भाई। किस चीज़ की ज़िद बनाई हुई है आपने? अपने लोगों को मारना है या दूसरे कंट्रीज़ के साथ ज़िद बनानी है? हमारा नेबर कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, हमारे वो भी भाई हैं भाई, उनके साथ बातचीत करो, अपनी वो अपनी सब्ज़ियाँ जो हैं वो इधर भेजें, जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम उधर भेजें, ताकि दोनों तरफ के जो लोग हैं उनको आसानियाँ पैदा। इंडिया वाले तो बहुत ही सस्ती चीज़ें ले रहे हैं, पाकिस्तानियों का भी हक है कि सस्ती चीज़ें लें, और वो इसी तरह हो सकती है, या तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें या इंडिया से ट्रेड कर लें। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।